हेलो फिंचीज, क्या हाल आपका? ठीक हो आप? मैं आपको नाश्ता डालता हूँ आपका अभी। रुको ज़रा आप अभी। अच्छा, मैं आपका दरवाज़ा खोलने लगा तो आपने भाग नहीं जाना। ये मैं रख रहा हूँ इधर आपके पास ही, ये मैंने रखा है ना। ठीक है, क्या कह रही हो आप? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बख़ैर, क्या हाल आप सबका? खैरियत से हैं आप? तो दोस्तों, इडियट्स के लिए मैं उनका ब्रेकफास्ट लेकर आया हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि ब्रेकफास्ट में मैं इडियट्स को क्या देता हूं। एग बॉईल किए हैं इडियट्स के ब्रेकफास्ट के लिए, तो अब इनको मैं चॉपर करता हूं। तो दोस्तों, ये इडियट्स का ब्रेकफास्ट है, ये मैं उन्हें देता हूँ। आप भी देखें कितने शौक से खाएंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये लो, माशाल्लाह, देखें कैसे शौक से खा रहे हैं। ओए, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों नहीं खा रहे? दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देखें, ये ड्राई बॉम्स हैं। ये मैं अपने इडियट्स को, बाबू को, राजू को, रानी को रूटीन से गर्मियों में दिन में एक बार दे रहा हूँ। सर्दियों में मैं दो बार दे रहा था। ये खाने से इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जिसमें बीमारी के साथ लड़ने के लिए इनमें कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो चूज़े हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और ये भी आप इन्हें लाजमी दें। और दूसरा ये कि ये तो मैंने बाज़ार से परचेज़ किए हैं, तो इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो में आपको इस पर भी बना के दिखाऊंगा कि ये घर में कैसे बनाते हैं। घर में बनाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखें दोस्तों, मैं इडियट्स को किस तरह से देता हूं। ये मैं इसमें डाल लेता हूँ, थोड़ा सा और डाल लेता हूँ, और इसको मैं अच्छी तरह से ये क्रश कर लूँगा ताकि चूज़ों को खाने में आसानी हो। अब ये देखिए, ये मैंने डालने लगा हूँ इडियट साइड पे, और जो थोड़ा सा, शाबाश बेटा। तो ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा हिला देता हूँ ताकि सारी साइड पे अच्छी तरह से चला जाए। अब आप ये देखें इतने शौक से खा रहे हैं। बारिश होने की वजह से मौसम कितना प्यारा है, प्लांट्स भी कैसे खिले हुए हैं, और बारिश की वजह से बर्ड्स को जो आज दाना है वो अंदर इनके पिंजरे में डालेंगे बारिश की वजह से। चलो भाई पिंजरे में चलो, आज आपको अंदर ही मैं दाना डालता हूँ। ये आपका दाना आ गया, रुको, चलो खाओ शौक से। आप इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? आप भी खाओ। इडियट्स को भी दाना आज अंदर ही मिलेगा, सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ, पीछे हटो। मौसम थोड़ा सा ठंडा है, इसलिए मैं बल्ब भी जलाया हुआ है ताकि टेम्परेचर बरकरार रहे और इनको इतनी ज़्यादा सर्दी ना लगे। चलिए आपको बच्चा भी दिखाता हूँ, जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, उसको देखते हैं वो कितना बड़ा हुआ है। ये उसकी मम्मा उसके पास बैठी हुई है, ये कितना बड़ा हो गया। पिंजरे की भी अच्छी खासी सफाई होने वाली हुई है, पिंजरे को भी साफ़ करेंगे। फाइनली हमारे पैरट्स ने एग लेइंग कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे ख्याल से एक एग दिया है, अभी एक और देगी, तो जब इसमें से बच्चे निकलेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो।
हेलो मैं कहाँ पहुँच क्या हाल आपका ठीक हो यार मुँह तो इधर करो मैं कहाँ पहुँच के अंडे दिए हैं और मैं अंडे के ऊपर बैठा हुआ है और वो बड़ा गुस्से में है मुँह इधर नहीं कर रहा। पिछले व्लॉग में आपने इस प्लांट को देखा होगा ऊपर से ग्रीन है और नीचे से देखिए इसके पत्ते मेहरून है। काफ़ी प्लांट्स भी हैं कुछ गवार मोड में हैं और माशाल्लाह जो हमने नियाज़बो की पनीरी लगाई थी वो भी बढ़ रही है। ये जाली जो है चिड़ियों की वजह से लगाई हुई है चिड़ियाँ सारा कुछ खा जाती हैं। ये लेमन भी देखें सारे पौधे खुशगवार मूड में हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है ना। अमरूद भी खुशगवार मूड में हैं और ये भी बढ़ रहे हैं। इधर भी लगे हुए हैं और ये इस साइड पर भी हैं। ये भी हैं ये एक नीचे छुटकुमियाँ। ये देखे बैंगन के प्लांट्स हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था बैंगन लगे हुए थे तो वो हमने उतार लिए हैं तो अब ये फिर छोटे छोटे लगे हुए हैं। ये भी कुछ दिनों में बड़े हो जाएंगे। ये देखें दोस्तों धूप की वजह से पुदीने का क्या हाल हो गया। अगर आपने भी घर में पुदीना लगाया होगा तो उसे धूप से बचा के रखें। ये काफ़ी बेहतर है। इसमें से उतार लिया थोड़ा सा और अभी लगा हुआ है और ये अंजीर भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। ये भी कुछ दिनों में पक जाएंगी उनको भी फिर उतार लेंगे। और ये हमारी तोरियों की बेल है ये भी देखें माशाल्लाह अभी बढ़ रही है कुछ दिनों तक इस पर भी तोरियाँ लगने लग जाएंगी माशाल्लाह। ये देखें छोटे छोटे पौधे हैं ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ये मैं दूर करके दिखाता हूँ आपको और ये अब क्लोज लेके जाता हूँ। छोटे छोटे पौधे हैं और माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं दोस्तों। ये देखें ये सूरजमुखी का पौधा है और ये नायाब है। आपने सूरजमुखी के वैसे पौधे देखे होंगे उनके ऊपर सिर्फ एक ही फूल लगता है और इसके नायाब होने की वजह ये है। आप देखें इसके यहाँ पर भी बीज लगेंगे और ये साथ इस जगह पर भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये भी है और इसके नीचे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और इसकी हर जहाँ जहाँ पे पत्ता है ना उधर उधर इसका ना सूरजमुखी का फूल आने लग जाएगा। और ये देखें एलोवेरा ये मैंने घर में लगाई हुई है और ये काफ़ी हद तक बड़ी हो गई है। इसको मैंने ज़्यादा धूप से और ज़्यादा पानी से बचा कर रखा हुआ है और ये जब काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो जाएगी तो इसको मैं उतारूँगा। इसके जल निकाल के मैं घर में इस्तेमाल करूँगा। आप भी घर में एलोवेरा लगाएं और इसको इस्तेमाल में लाएं। ऑर्गेनिक चीज़ है ये। और ये सूरजमुखी का फूल है पिछली वीडियो में आपने देखा होगा ये पक गया है और अब इसके मैं बीज निकाल के अपने पैरट्स को खिलाऊंगा। मैं अभी आपके सामने उतारता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों इस तरह से मैं इन बीज को अलग करूँगा। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है बड़ी आसानी से उतर जाते हैं और ये मैं अपने पैरट्स को भी दूंगा। और कुछ पैरट्स को डाल दूंगा और कुछ इनको फिर जो बीज इनके लगा दूंगा गमलों में ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए फिर तैयार हो जाए। तो फाइनली दोस्तों इन फूलों से मैंने ये बीज अलग कर लिए हैं तो ये मैं अभी अपने पैरट्स को डालूंगा तो देखें कैसे शौक से खाएंगे। चलें चलते हैं पैरट्स की तरफ। दोस्तों ये मैं अपने पैरट्स को डालने लगा हूँ। थोड़ा चीनी डाल देता हूँ थोड़े से इधर डाल देता हूँ। ये वाला कबूतर टेप किया हुआ है अभी इसका मूड नहीं है तो ये मुझे मार रहा है या मस्तियाँ कर रहा है मेरे साथ गुस्से में है। देखें कैसे मस्तियाँ कर रहा है। चल आ जा यार छोड़ दे साथ।
अब बस कर, जा जा, अब तुझे भी डालते खाना, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, बस 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 बस, क्या हुआ है? बस किस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ है? बस कर जा, कैसे मार रहा है? तो दोस्तों ये देखें, ये चोंच ही नहीं मार रहा, ये मुझे थप्पड़ भी मार रहा है अपने परों से। ये कैसे थप्पड़ मार रहा है? ये इनके हाथ है ना, तो हाथों के साथ थप्पड़ मार रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।